वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। मोदी सरकार 3.0 के पहले बजट में गठबंधन की सरकार की झलक देखने को मिली। वित्त मंत्री ने आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ और बिहार में कई परियोजनाओं के लिए करीब 59,000 करोड़ का बजट में आवंटन किया। वहीं सैलरी क्लास की बात की जाए तो सरकार ने नई टैक्स रिजीम में मानक कटौती को 50,000 से बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। एक ओर जहां सत्ता पक्ष इस बजट को संतुलित और विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने वाला बजट बता रहा है, तो वहीं विपक्षी दलों ने बजट को निराशाजनक बताया। विपक्ष का कहना है कि इस बजट में जनता को राहत देने वाला कुछ नहीं है, केवल आंकड़ों की बाजीगरी है। वहीं विपक्ष बजट पर तंज कस रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरकार के इस बजट को कुर्सी बचाने वाला और दो लोगों का भला करने वाला करार दिया है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने युवाओं के लिए कांग्रेस की योजना कॉपी पेस्ट की है, बजट में उसका नाम बदल दिया है। संसद में बजट पेश होने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। इसमें उन्होंने कहा, ये बजट बहुत निराशाजनक है, सत्ता बचाने के लिए लाया गया है। किसानों के लिए हम जो अपेक्षा कर रहे थे वो भी इसमें नहीं है। लगातार रेल हादसे हो रहे हैं, बजट में ऐसा कोई ख्याल नहीं रखा गया है। खड़गे ने कहा कि रेल पटरियां सुधारना, लोगों की सुरक्षा जैसे मामलों पर कुछ नहीं किया गया, इसी वजह से कमजोर रेल बजट को वित्त मंत्रालय में मर्ज कर दिया। देश के कई राज्यों में लोग बाढ़ से पीड़ित है, इस सरकार ने बाढ़ से निजात दिलाने के लिए कोई स्पेशल स्टेप नहीं लिया है। कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि गरीबों और दलितों के लिए कुछ नहीं किया है। हो सकता है कि चुनाव में दलित वर्ग ने इंडिया गठबंधन को वोट दिया, इस वजह से वो गुस्सा हो। बजट में जातीय जनगणना के लिए पैसे की व्यवस्था होनी चाहिए थी, मगर इसका भी कोई जिक्र नहीं किया है। उन्होंने कहा कि हैदराबाद बहुत पिछड़ा है, उसे संविधान में स्पेशल स्टेटस मिला है, मगर इस बजट में उसका भी ख्याल नहीं रखा गया है। ये सरकार केवल वादा करती है, चुनाव के पहले गारंटी की बात कर रहे थे, लेकिन बजट में कोई गारंटी नहीं दिख रही है। मोदी जी को झूठ बोलने की आदत है, कभी मौका मिला तो उनके 10 बड़े झूठ बताऊंगा। वही कांग्रेस नेता व लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार के आम बजट को कुर्सी बचाओ कॉपी पेस्ट बजट बताया है। राहुल गांधी ने कहा कि इस बजट में सहयोगियों का तुष्टिकरण किया गया है, AA यानी अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाया गया है। इस बजट में आम आदमी के लिए कुछ भी नहीं है, राहुल ने इस बजट को कॉपी पेस्ट बजट भी बताया है। राहुल ने कहा कि इस बजट में कांग्रेस के मैनिफेस्टो और पहले के बजट का कॉपी पेस्ट है। राहुल के अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और जयराम रमेश ने भी इस बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। वहीं कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कांग्रेस के न्यायपत्र 2024 से सीख ली है। उनका इंटर्नशिप कार्यक्रम स्पष्ट रूप से कांग्रेस के प्रस्तावित प्रशिक्षुकता कार्यक्रम पर आधारित है, जिसे हमने पहली नौकरी पक्की कहा था। वित्त मंत्री का बजट भाषण कार्यवाही की तुलना में दिखावे पर ज्यादा केंद्रित है। साथ ही सपा मुखिया और कन्नौज सांसद अखिलेश यादव ने बजट को लेकर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, ये बजट भी नाउम्मीदी का ही पुलिंदा है, शुक्र है इंसान इन हालातों में भी जिंदा है और सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि आंकड़ों के हिसाब से बड़ी बड़ी बातें कही जाती है, सरकार बचाने के लिए बिहार और आंध्र को विशेष पैकेज दिया गया, लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो प्रधानमंत्री देता है, वहाँ किसान के लिए क्या कोई बड़ा फैसला लिया? अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकार ने किसान के साथ संकट पैदा किए हैं, साथ ही 10 साल में बेरोजगारी बढ़ाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार युवाओं को आधी अधूरी नौकरी दे रही है और देश का नौजवान पक्की नौकरी चाहता है। उन्होंने सवाल किया कि आधी अधूरी नौकरी में आरक्षण लागू होगा। अखिलेश ने बजट को नाउम्मीदी का पुलिंदा बताया। अब ऐसे में सवाल उठता कि भाजपा सरकार ने इस बजट में सिर्फ अपनी सरकार बचाने के लिए अपने सहयोगी साथियों के शासित राज्यों को सबसे ज्यादा फायदा पहुँचाया गया है।